पाकिस्तानी गोलाबारी में रविवार शाम शहीद हुए चार सैनिकों में से एक कैप्टन कपिल कुंडू का आज 23वां जन्मदिन है। शहीद कैप्टन ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हरियाणा के पटौदी में रहने वाले कैप्टन अपना 23वां जन्मदिन मनाने के लिए घर का टिकट भी बुक करा चुके थे। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ जन्मदिन मनाना चाहते थे। हालांकि शहीद कैप्टन कपिल कुंडू का पूरा परिवार और देश उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। संसद में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर हंसने वाले कांग्रेस नेताओं को कहा है कि रावण सेना की तरह न हंसे। कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे और कुछ विपक्ष के बीच बीच में टोका टोकी टिप्पणी करना गलत है। अमित शाह की रैली के विरोध में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है होता है, लेकिन किसी भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हनन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिला कष्ट निवारण समिति बैठक में 14 शिकायतें रखी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने शुक्रवार को पटौदी के गांव रड़सिका पहुंचकर कश्मीर के रजौरी में शहीद हुए कैप्टन कपिल कुंडू के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि उन्हें जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, परंतु इस दुख की घड़ी में उनकी पार्टी और सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि शहीद पूरे देश की संतान होती है और शहीद कैप्टन कुंडू ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला रोहतक जिले के बसाना गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने कपवाड़ा हमले में शहीद हुए मोनू को भी श्रद्धांजलि दी। सुभाष बराला ने कहा कि मोनू की इस शहादत पर हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है। मोनू 25 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी के दौरान घायल हो गया था, उसके बाद 26 तारीख को वो शहीद हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने शहीद के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि बीजेपी और हरियाणा सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है और जो भी मदद होगी वो इस परिवार को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोनू की शहादत ने सभी भारतीयों का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। इसके पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी परिवार से मिलने जा चुके हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की जींद में होने वाले रैली को लेकर विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता से घबराया हुआ है। चरखी दादरी में उन्होंने कहा कि आज जाट समुदाय के कुछ लोग विपक्ष का मोहरा बनकर रैली में अड़चने डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह नाकाम होगी। हरियाणा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को अनुभवहीनता का आरोप लगाया है। इससे सब उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और बीजेपी सरकार अपने ही मशगूल में। अभय चौटाला ने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जिंद में होने वाली रैली का विरोध हो रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी को रैली स्थगित कर देनी चाहिए। साथ ही प्रदेश का भाईचारा न खराब हो इसके लिए शाह को दिल्ली में रहकर ही पार्टी को मजबूत करने पर काम करना चाहिए। आगामी 15 फरवरी को जिनकी बाइक रैली को लेकर विधायक रहीशा खान ने शुक्रवार को 5 सरपंचों सहित गणमान्य लोगों के साथ बैठक की, जिसमें रहीशा खान ने मौजूद सभी लोगों से रैली में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। वही सभी मौजूद लोगों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वो सभी अपने लोगों को साथ लेकर जिन रैली में पहुंचे और साथ में कई बाइक के साथ भी लोग पहुंचे। रहीशा खान ने बैठक के दौरान कहा कि जिन रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। रैली में एक दिन पहले 1100 से अधिक मोटरसाइकिलों का काफिला पुनहाना से चलकर रोहतक पहुंचेगा। रोहतक में रात गुजारकर अगले दिन 15 फरवरी को जिंद पहुंचकर रैली को सफल बनाएंगे। रैली को लेकर सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कार्यकर्ताओं का पंजीकरण भी किया जा रहा है।
युवाओं को रोजगार के पीछे भागने की बजाय पकौड़ा बेचने चाहिए। बीजेपी नेताओं की इस सलाह का विरोध करते हुए इनसो ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पुराने बस अड्डे पर पकौड़े बेचे, जिसमें इनोलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी पहुंचे और उन्होंने भी पकौड़े का स्वाद चखा। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने केंद्र प्रदेश सरकार को जुमलों की सरकार बताया और कहा कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वो 2 करोड़ रोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वो बेरोजगारों को पकौड़ा बेचने की सलाह देकर पढ़े लिखे युवाओं का अपमान कर रहे हैं। रोजगार के सवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के विरोध में इनसो कार्यकर्ता बेरोजगारों को दादरी में सड़क पर पकौड़े तले, इसके लिए बकायदा स्टॉल और उसके आसपास बैनर पोस्टर भी लगाए गए, जिसपे व्यापार के नाम पर कटोरा दूंगा, रोजगार मांगो तो पकौड़ा दूंगा, क्या हमारा भविष्य पकौड़ा बनाने में है, हमें जवाब चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छे दिन आ गए हैं। जैसे जैसे बैंक लिख के तंज कसा गया, स्टॉल के दौरान इनसो कार्यकर्ताओं ने दादरी से इनसो विधायक राजदीप फोगाट के नेतृत्व में शहर में रोष प्रदर्शन किया। भिवानी में आज विभिन्न शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा अपने हाथ से बनाए पकौड़ों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार महंगे और सस्ते दामों पर बेचते नजर आए। भिवानी के पुहाना बस स्टैंड पर दूसरे दिन भी बेरोजगारों ने पकौड़ा तलो अभियान चलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पकौड़ा तलने के रोजगार मानने के तर्क को अनुचित ठहराने का प्रयास बेरोजगारों ने किया। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर अतिथि अध्यापक लगातार विरोध कर रहे हैं, एक रैली करने जा रहे हैं। इस रैली का आयोजन सीएम सिटी करनाल में 11 फरवरी को किया जाना है। इसमें खास बात यह है कि इस रैली के दौरान अपना रोष व्यक्त करते हुए महिला अतिथि अध्यापिकाओं ने सामूहिक मुंडन भी कराने की चेतावनी दी है, जिसे लेकर करनाल के सेक्टर 12 के फुआरा पार्क में अतिथि अध्यापकों ने अपने खून से आमंत्रण पत्र भी लिखा और ये पत्र मुख्यमंत्री के पास भेजा गया। आपको बता दें कि अतिथि अध्यापकों के इस आमंत्रण पत्र को हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत विधायकों को भी भेजा जाएगा। इस खून से लिखे आमंत्रण पत्र के माध्यम से सभी को 11 फरवरी को होने वाली रैली के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। उधर हरियाणा में अतिथि अध्यापक लंबे समय से पक्का किए जाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 13 सालों से इनकी मांग लगातार चल रही है, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांग कोई भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, जबकि इस बार इन्होंने खून से खत लिखकर मुख्यमंत्री और कई विधायकों को भेजे हैं ताकि इस बार इनकी मांगों को मान लिया जाए। हरियाणा में गेस्ट टीचरों का मामला लंबे समय से अधर में लटका पड़ा है। अब गेस्ट टीचर ने एक बार विरोध प्रदर्शन की मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। भिवानी में महिला गेस्ट टीचर्स ने खून से सरकार को खत लिखे सरकार को 11 फरवरी को करनाल में सामूहिक मुंडन का अल्टीमेटम दिया है। टीचर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। इनका कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के समय सरकार बनने पर पहली कलम से पक्का करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल के शासन में एक भी नियमित नहीं करने का काम किया गया है। इंसानियत की मिसाल पेश की है फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच के एसीपी राजेश चेची ने। दरअसल राजेश चेची ने अपनी बेटी की शादी से मिले कन्यादान के 11 लाख रुपए गरीब अनाथ बच्चों को दान में दिए। एसीपी ने अपनी बेटी की शादी में सैकड़ों अनाथ बच्चों को बुलाया था और ये सब उन्होंने करने के बाद उनकी तारीफ हो रही है। वही बच्चों का कहना है कि उन्हें पहली बार ऐसे किसी की शादी में बुलाया गया जहां पर उन्होंने जमकर मजा लिया। साथ ही संस्था भी प्रिंसिपल मीनू शर्मा का कहना है कि उनको यहां सैकड़ों गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनका खर्च बहुत होता है, मगर इस बार एसीपी ने अपनी बेटी के कन्यादान में पैसे संस्था को दिए और कहा कि पैसे देकर केवल बच्चों की मदद ही नहीं बल्कि संदेश भी दिया कि पैसे ऐसे लोगों पर खर्च करने चाहिए जिन्हें जरूरत होती है।